भारत वर्सेस वेस्ट इंडीज में ये खिलाड़ी करेगा धमाका। देखा जा रहा है कि पूरी सीरीज में लगभग हर कोई खिलाड़ी अपने आप का एक अलग परछावा छोड़ रहा है। कप्तान विराट कोहली ने इस वनडे सीरीज में शतक जड़ा, तो वहीं कॉटरेल ने अपनी गेंदबाजी से खासा परेशान किया है भारतीय बल्लेबाजों को। रोहित शर्मा लगातार पूरी T20 सीरीज में चले, तो वहीं अगर बात करी जाए तो भारतीय टीम के विरुद्ध जो वेस्टइंडीज खेल रही है उसमें से अब एक दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल संन्यास लेने वाले हैं। उनका ये आखिरी मुकाबला होगा, तो उन्हें सिर्फ एक शतक की जरूरत है जिससे वो एबी डी विलियर्स को पीछे छोड़ देंगे और सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन जाएंगे। जो इस अब तक कोई भी उम्रदराज खिलाड़ी ऐसा नहीं है जो 39 साल 300 से ज्यादा दिन का हो गया हो और उस खिलाड़ी ने शतक जड़ा हो। लेकिन अगर क्रिस गेल ने ये कारनामा कर दिखाया तो वो एक नया रिकॉर्ड बना देंगे। तो इसी को लेकर आज क्रिस गेल सेंचुरी मारने वाले हैं। इसके अलावा शिमरन हेटमायर लगातार भारत को परेशान करते आए हैं और वो आज बहुत महत्वपूर्ण पारी खेलने वाले हैं, क्योंकि ये आखिरी मैच है वनडे सीरीज का और वनडे सीरीज अपने आप बचाने के लिए वेस्टइंडीज को हर हालत में मैच जीतना होगा। तो इसीलिए शिमरन हेटमायर और क्रिस गेल लगातार धमाका करेंगे। वहीं कॉटरेल को नहीं भूला जा सकता, क्योंकि शेल्डन कॉटरेल लगातार भारतीय टीम के बल्लेबाजों को खासा दिक्कत दे रहे हैं। अगर ओपनिंग से बात करी जाए तो शिखर धवन परेशानी में आए थे, वहीं विराट कोहली को भी उन्होंने 3 से 4 बार आउट करा है, जिस वजह से ये तीनों जो खिलाड़ी हैं वो खासा दिक्कत देने वाले हैं। इसके अलावा अब भारतीय टीम की बात करी जाए कि भारतीय टीम में संभावित 11 क्या हो सकते हैं, कुछ इस प्रकार दिखेंगे ये खिलाड़ी। शिखर धवन ओपनर के तौर पर उतरेंगे और उनके साथ ही ओपनर होंगे रोहित शर्मा, इसके विराट कोहली होंगे कप्तान और ऋषभ पंत विकेटकीपर। इसके बाद शेष अय्यर, केदार जाधव, रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी या नवदीप सैनी में से किसी एक को मौका मिलेगा। वहीं कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल में से किसी एक को मौका मिलेगा और खलील अहमद का खेलना तय लग रहा है। इसके अलावा वेस्टइंडीज के संभावित 11 की बात करी जाए तो उसमें क्रिस गेल और इवन लुइस ओपनिंग करेंगे, शाय होप विकेटकीपर हैं और फर्स्ट डाउन उतरेंगे। इसके बाद शिमरन हेटमायर, निकोलस पूरन, रोस्टन चेज, जेसन होल्डर कप्तान रहेंगे, कार्लस ब्रेथवेट ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे। वहीं तेज गेंदबाजों की बात करी जाए तो कीमो पोल, कीमार रोज और शेल्डन कॉटरेल ये गेंदबाजी की कमान संभालेंगे। अब देखना होगा कि ये मैच कौन जीतता है, वेस्टइंडीज या इंडिया। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स पर। हर्ष की रिपोर्ट।